नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडियन न्यूज में। दोस्तों, पहलवान सुशील कुमार को 18 दिन के न्याय हिरासत में भेजा गया जेल। पुलिस को नहीं मिली इस बार रिमांड। आखिरकार दोस्तों, क्या है पूरा मामला जो कि पुलिस को रिमांड नहीं दी गई, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से। आपको बताने वाले हैं कि हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहलवान सुशील कुमार आज न्याय हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस को पहलवान सागर हत्याकांड की तीसरी बार चैंपियन सुशील कुमार की तीसरी बार कस्टडी मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, जानना चाहते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला और क्यों नहीं किया रिमांड के लिए अदालत ने राजी, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे सुशील कुमार से संबंधित तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जानते हैं आखिरकार क्या है आगे की खबर। 4 दिन की दूसरी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने कहा कि सागर धनगढ़ एक उपरता हुआ पहलवान था और बाकी लोग बुरी तरह से घायल थे। वीडियो में सबसे अहम सबूत है। सुशील के वकील ने इसका विरोध किया और दलील दी कि पुलिस को पूछताछ के लिए दिया गया समय काफी था। कोर्ट ने दो पक्ष के दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। हत्या आरोपी पहलवान के वकील ने रिमांड की मांग का विरोध किया। दलील दी कि कोई ऐसा आधार नहीं दिया गया है जिसके लिए अदालत पुलिस की मांग मंजूर कर ले और आरोप को रिमांड पर भेजे। एडवोकेट प्रदीप राणा ने अदालत के अनुरोध को किया कुमार को न्याय हिरासत में भेज दिया गया और जेल में भी अलग सेल में रखा जाएगा, क्योंकि मामले में कई गैंगस्टर शामिल बताए जा रहे हैं और उन लोगों के जेल में भी हो सकते हैं। इस मामले में एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसके हथियारों का इस्तेमाल लंबित कर दिया गया था। उनके मामले में संबंधित दिल्ली पुलिस के जानकार सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कुमार को उनके हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए नोटिस भेजा है, जो उन्होंने 2012 में जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देते के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। याद हो कि धनगढ़ की 4 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट के दौरान मौत हो गई थी। कुमार को दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने 24 मई को दिल्ली की से उसके सहयोगी अजय के साथ 18 दिनों तक फरार रहने के बाद भी गिरफ्तार किया था। रविवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुशील कुमार को उत्तराखंड के हरिद्वार ले गए थे ताकि जांच की जांच के उन्होंने भागते समय शरण कान ली थी। इसके बारे में जानकारी अभी तक पता नहीं चली है। दोस्तों, पुलिस तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही है और पुलिस के हाथ जैसे ही कुछ जानकारी आती है तो पुलिस उसके ऊपर तपस्वी बनाने वाली है और पुलिस चाहती है कि आखिरकार सुशील कुमार को भी उसकी कड़ी सजाएं मिले जो वो भुगत रहा है, क्योंकि दोस्तों सुशील कुमार ने जो कांड किया है वो काफी दर्दनाक है और ऐसे कांड करने पर सजा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट आप चाहते हैं आगे तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।